क्या बिहार में महागठबंधन टूटने के कगार पर है? क्या कांग्रेस के साथ आरजेडी ने खेला कर दिया? क्या पूर्णिया लोकसभा सीट का समीकरण महागठबंधन के गले की फांस बन गई है? क्या पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती की दावेदारी महागठबंधन के लिए सियासी अपशगुन साबित होने वाला है? ऐसे कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं जो बिहार में महागठबंधन की ताकत में दरार डालने का काम कर रहे हैं। बिहार की सियासत में पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ घटा है उससे महागठबंधन की एकता में कमी दिख रही है। रही सही कसर बीमा भारती ने पूरी कर दी। बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गई है और शामिल होते ही बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जता दी। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एरी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। इस फैसले का सीधा असर पप्पू यादव पर पड़ने वाला है, महागठबंधन पर पड़ने वाला है, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया था। पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना बहा रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को देने का मन बना लिया। जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर फेल हो गए? साथ ही ये भी सवाल है कि बिहार में कांग्रेस के साथ खेला हो रहा है। ये खेला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां कर रही हैं। एक ओर लालू यादव सिंबल पर सिंबल बांटे जा रहे हैं तो दूसरी ओर लेफ्ट भी लालू को विश्वास में लेकर गेम करने पर उतारू है। ऐसे में कांग्रेस की सीटें फंसती जा रही है। औरंगाबाद और बेगूसराय के बाद पूर्णिया सीट पर खेला होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव मधेपुरा या सुपौल से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मधेपुरा से तो पप्पू यादव सांसद भी रह चुके हैं। सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आरजेडी ने कांग्रेस को मैसेज दिया है कि वो मधेपुरा और सुपौल सीट भी नहीं छोड़ेगी। सियासत के जानकारों का मानना है कि इसके लिए पप्पू यादव का फैसला जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि लालू और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात 19 मार्च को हुई थी। लालू यादव ने सलाह दिया था कि वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करा दें, लेकिन अगले ही दिन यानी 20 मार्च को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। इससे लालू यादव नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव भी साफ कर चुके हैं कि पूर्णिया उनकी लाइफ लाइन है, इस सीट पर वो किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी जिंदगी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। महागठबंधन कितनी सीटें जीत रही है? सर मुझको महागठबंधन 30 से ऊपर। सूत्रों की माने तो आरजेडी अभी भी कांग्रेस को 5-6 से अधिक जीतने योग्य सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इस बात से भी परेशान है कि आरजेडी एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ अन्य सीटें जिन्हें आरजेडी कांग्रेस को देने पर विचार करने को तैयार दिख रहा है वे भी कांग्रेस की मजबूत सीट नहीं है, जहां कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी जो हालात है उससे बिहार में इंडिया गठबंधन फिर चिंताजनक स्थिति में आता दिख रहा है। यहां लालू यादव के आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की वार्ता पटरी से उतर सकती है और यह अलायंस टूट सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।